आर्थिक स्थिति यदि कमज़ोर है तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुप्त दान कर दें। झाड़ू के ऊपर से कभी लांघना नहीं चाहिए और कभी भी झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। घर में बरकत के लिए सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाएं तो माँ लक्ष्मी का साथ मिलता है। पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, देवी देवताओं का वास घर से चला जाता है। अपने बेडरूम में कभी भी किसी देवी देवता की तस्वीर न लगाएं। बेडरूम में किसी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में कभी भी कांटेदार इंडोर प्लांट्स न लगाएं, इससे क्लेश की स्थिति बनती है। राहु दोष को कम करने के लिए नीले हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। वहीं केतु दोष को कम करने के लिए हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनें और दान करें। चींटियों को शक्कर और आटा देने से भी धन की स्थिति में सुधार आता है। आपके घर में यदि नल टपकते रहते हैं तो यकीन जानिए यह आपके घर के धन को भी लीक कर रहा है। घर में टूटे फूटे कबाड़ और अनावश्यक वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए, यह धन की बढ़ोतरी में रुकावट डालते हैं। तवे पर रोटी सेकने से पहले दूध के छींटे मारना शुभ रहता है। घर से नेगेटिविटी हटाने के लिए सप्ताह में एक बार गूगल का धुआं करना शुभ होता है। घर में सरसों का तेल का यदि दिया जब भी जलाएं तो उसमें लौंग अवश्य डालें। जूठे हाथ सिर पर लगाने से आपका सूर्य खराब हो सकता है। बड़ों का सम्मान ना करने से आपका गुरु बिगड़ता है और मंगल को सही रखना चाहते हैं तो कभी क्रोध न करें। हनुमान चालीसा का 21 बार जाप करने से धन में वृद्धि होती है और 19 बार जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कभी भी किसी को फटी पुस्तकें और कपड़े दान में नहीं देने चाहिए। ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।